असाइनमेंट टू का प्रॉब्लम नंबर टू। कल हम लोग प्रॉब्लम नंबर वन कर लिया था, हाँ या ना बोलो, जोश के साथ बोलो। हाँ सर। बस यही 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 जोश है क्या? हाँ यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए आइए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, शेयर स्क्रीन करिए। अच्छा, प्रॉब्लम टू जो है उसका नाम हम लोग देंगे एडवांस प्राइवेट लिमिटेड। क्या देंगे आप लोग नाम? एडवांस प्राइवेट। हाँ, तो आप लोग को मालूम है क्या करना है। F3 में जाके क्रिएट कंपनी करना है, स्टेट पिन कोड देना है, चार फीचर यस रहेगा, GST नो रहेगा, फिर सेव कर लीजिएगा। F3 में आके जो कंपनी नहीं चाहिए उसको शट कर देंगे और करेंट पीरियड 22-23 होना चाहिए। ठीक है, इतना तक करो सबको ये अपने आप। चलो कैमरा ऑफ कर। अच्छा अभी रहने दे, रहने दे, अभी रहने दे। एडवांस प्राइवेट लिमिटेड। हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, कंपनी का नाम पूछ रही थी। एडवांस प्राइवेट लिमिटेड, देखो मैंने स्क्रीन शेयर किया, हम लोग स्क्रीन शेयर को नीचे करो, क्लिक करो। हाँ, स्टेट में आओ, वेस्ट बंगाल, हमारे बांग्ला। कंट्रोल ए, क्या कर रहे हो तुम? हैव पेशेंस। चार फीचर यस रहेगा, GST को नो करो, एंटर, सेव कर दिया। अभी जो कंपनी नहीं चाहिए उसको शट करना है, कौन सा बटन दबाएंगे? F3 में शट कंपनी, अंकित वन नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट टैली में कुछ भी खुल जाता है, बाय डिफॉल्ट टैली में कुछ भी खुल जाता है। तो जो कंपनी क्रिएट करना था या सेलेक्ट करना था कर लिए, जो कंपनी नहीं चाहिए उसको हमने शट कर दिया, जो कंपनी नहीं चाहिए उसको हमने शट कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग का करेंट पीरियड 22-23 है सबका कंप्यूटर में। Yes, sir. सबका कंप्यूटर में करेंट पीरियड 22-23 है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सबका कंप्यूटर में करेंट पीरियड 22-23 है, यस और नो? यस जी सर। अगर किसी का नहीं है तो चेंज कैसे होगा? नहीं नहीं, अगर करेंट पीरियड में खाली क्लिक कर दो हो जाएगा। करेंट पीरियड में क्लिक करो, लिखो 1-4-1-4-22 एंटर, 31-3-23 एंटर, करंट पीरियड 22-23 हो गया। कोई आया है ज्वाइन करिए उसको पहले, समवन हैज कम। तो हम लोगों ने नया कंपनी बना लिया एडवांस प्राइवेट लिमिटेड। चैटबॉक्स में लिखिए, चैटबॉक्स में लिख दीजिए, जिससे जो लोग आएंगे उन लोगों को दिख जाएगा। We have created Advanced Private Limited. Advanced Private Limited. Four feature yes, GST no. ऐसे लिख दो, four feature yes, GST no. Four feature yes and GST no. सर मैंने मेरे को लग रहा है कि मैंने जीएसटी को यस कर दिया। अब मैं एक्चुअली अभी क्रिएट वाले पेज में हूँ, तो कैसे हम वहां जाके उसको नो करें? यस बेटा, दैट्स व्हाट आई वांटेड, जस्ट शो मी योर स्क्रीन। अगर किसी को वापस से फीचर पेज में जाना है तो वो जा सकता है, अगर किसी को वापस से फीचर पेज में जाना है वो जा सकता है। तो तुमने क्या किया, तुमने एडवांस प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, जो कंपनी नहीं चाहिए उसको शट कर दिया, करेंट पीरियड को 22-23 कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अभी देखो सभी कोई जिसका प्रॉब्लम, कोई भी स्टूडेंट अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो बाकी स्टूडेंट लोग भी ध्यान से देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, ये चार फीचर यस तो किया है बट जीएसटी को नो करना भूल गया, तो इसको वापस से फीचर पेज में जाना है। अगर आप गेटवे पेज में है, गेटवे से आप फीचर पेज में जा सकते हैं। अगर आप
अगर आप गेटवे पेज में हैं तो आप फीचर पेज में जा सकते हैं। देखिए ऊपर में टॉप मेनू बार है, टॉप मेनू बार में आपको कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, ये सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट। उसमें आप लोग जाएंगे कंपनी में, उसमें आप लोग जाइए कंपनी में, कंपनी में, कंपनी में जाने के लिए क्लिक करिए। हाँ यहाँ पे देखिए आपको F11 फीचर दिखाई देगा, नीचे आइए, F11 फीचर दिखाई दे रहा, आइए। हाँ अब आप जीएसटी में यस में क्लिक करिए, उसको नो कर दीजिए, वापस से कंट्रोल दबा दीजिए, ठीक है बेटा। तो किसी को भी कभी भी कोई भी फीचर एक्टिवेट करना, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी को भी माइक क्यों ऑफ, कैमरा क्यों ऑफ किया अभी, किसी को भी कोई भी कंपनी अगर एक्टिवेट करना हो, राइट, दे कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ऑफ नहीं करना है वो, उसको उसको कर देने से वो पिन हो जाएगा। अभी हम लोग का सबसे पहले क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विथ, अच्छा आज हम लोग ऐसा स्कीम फॉलो करेंगे, आज हम लोग कैसा स्कीम फॉलो करेंगे सर, आज हम लोग डायरेक्टली जर्नल बनाते वक्त ही लेजर क्रिएट कर लेंगे, पहले से नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है सर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख बोला है, तो एक कौन सा वाउचर में आएगा ये, रिसीट, रिसीट पहले वाउचर में घुसो, वाउचर में घुसो, हाँ वाउचर में घुसने के बाद F6 में आओ, F6 रिसीप्ट। अगर किसी का F6 फंक्शन की काम नहीं करता है तो राइट हैंड साइड में भी रिसीप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सब का ऑप्शन रहता है, वहां पे क्लिक करके भी आप लोग आ सकते हैं। अच्छा पैसा कैश में मिला है तो कैश बना हुआ है कि बनाना है, कैश सेलेक्ट करो आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट लेंगे, कैपिटल कैपिटल बना हुआ है कि बनाना है, बनाना। ऑल्ट सी करके बनाइए, ऑल्ट सी प्रेस करिए, क्रिएशन पेज में ले जाएगा, ऑल्ट सी प्रेस करिए, सबको आ गया लेजर क्रिएशन पेज में, लिखो कैपिटल अकाउंट विल बी अंडर कैपिटल, लिखो कैपिटल अकाउंट विल बी अंडर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिखो दैट विल बी अंडर कैपिटल। ठीक है कंट्रोल ले करके सेव कर दो, अमाउंट में लिखो 2 लाख, अमाउंट में लिखो 2 लाख, एंटर। क्या और कोई पर्टिकुलर्स है, हेलो बच्चा लोग, नो सर नहीं है सर, एंटर दबाओ। हाँ नरेशन में लिखो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, being cash introduced into the business, being cash introduced into the business sir, ये narration देना हमेशा जरूरी होता है क्या बेटा, देंगे तो अच्छा रहेगा। okay, sir. Enter दबाइए, accept करिए। अभी next transaction क्या है, next transaction बोला है purchase किया गया, ठीक है purchase किया 10 Nokia mobile from Calcutta mobile store, अच्छा तो बताइए ये कौन सा वाउचर में जाएंगे हम लोग, F9 में जाने बोल रहे बच्चा लोग। अच्छा सप्लायर इनवॉइस नंबर कल जैसे मैंने सिखाया था, सप्लायर इनवॉइस नंबर कल जैसे मैंने सिखाया था वैसे आप लोग समझाइए मेरे को, सप्लायर इनवॉइस नंबर कल जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे आप लोग बताइए प्लीज थोड़ा, CBS/00 भूल गया इसमें था,
cms/0014 0014/22-23 एंटर। मतलब ये उसका 14th सेल है, ये उसका 14th सेल है। Is that fine, everyone? Yes, sir. Enter दबाओ। Yes, sir. Party name बनाया हुआ है कि बनाना है? बनाना है। Create करना। Create करना। बनाना है, बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी तुम पार्टी नेम में येलो पाथ है, पार्टी नेम में येलो पाथ है, ऊपर में भी क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, ऑल्ट सी भी दबा सकता है, ऊपर में भी क्रिएट ऑप्शन आ रहा है कैश के ऊपर में, या ऑल्ट सी प्रेस करो, क्रिएट ऑप्शन में चले जाओगे। लिखो कैलकाटा मोबाइल स्टोर, लिखा बगल में रखो वहां। कैलकाटा मोबाइल स्टोर एंटर। कैलकाटा मोबाइल स्टोर किसके अंडर में आएगा बच्चा लोग? डेटर। हाँ, डेटर कौन बोला? क्रेडिटर। क्रेडिटर, 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 सन्ड्री क्रेडिटर। नेविगेशन पाथ, हाँ नेविगेशन पाथ, हाँ क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, हाँ या ना? यस सर। एंटर दबाओ। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं बैठाएंगे हम लोग, ठीक है? डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ भी नहीं बैठाएंगे, वो जब अपने इंस्टॉलमेंट क्रिएट, तार 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 तार, इंक गिरेगा, इंक जिस तरह से पड़ेगा इंक गिरेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं होगा, एंटर दबाओ। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो रहेगा, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो रहेगा, ठीक है? चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो रहेगा, एंटर दबाओ। कंट्रोल ए करके सेव करो। जैसे आप लोग पार्टी नेम डालते थे, पार्टी नेम डालने के बाद आपको रिसीव डिटेल में लेके आता था, पार्टी नेम डालने के बाद आपको रिसीव डिटेल में लेके आएगा, हाँ या ना? पार्टी नेम डालने के बाद में आपको रिसीव, yes, बोलो बोलो, पार्टी नेम डालने के बाद रिसीव डिटेल में, तो हमको लॉरी नंबर, कब माल आया, ये सब मालूम नहीं है। कंट्रोल ए करके सेव करो, कंट्रोल ए करके सेव करो। हाँ, पार्टी डिटेल्स हमने मेलिंग डिटेल में फोकस नहीं किया था, तो पार्टी डिटेल जैसा है वैसा करो, कंट्रोल ए करके सेव करो। हाँ, अभी परचेज लेजर में कौन सा अकाउंट होगा? परचेज लेजर में कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट बनाया हुआ है कि बनाना है? बनाना है सर। वारंटी में नहीं है, बोल दो, ठीक है? ऑल्ट सी करके बनाओ परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट विल बी अंडर परचेसेस, परचेस अकाउंट विल बी अंडर परचेसेस, इट विल बी अंडर पी यू आर, मारो आ गया, परचेस आ गया। हाँ, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। हाँ, बन गया सबका, बन गया क्या? यस सर। कंट्रोल कंट्रोल ए करके सेव करो, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। अच्छा, लेजर बन गया। अभी देखो नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, हाँ या ना बच्चा लोग? यस सर। चलो बच्चा लोग, यस सर। नेम ऑफ आइटम, यस सर। नेम ऑफ आइटम बनाया हुआ है कि बनाना है? बनाना है सर। क्या करेंगे? ऑल्ट सी दबाओ तो क्रिएशन पेज में चले जाओगे। ऑल्ट सी दबाओ, ऑल्ट सी। हाँ, नाम दो, क्या नाम है? मोबाइल, अरे ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएशन तो दिख रहा है, नाम क्या है, कौन सा मोबाइल फोन खरीदा है? नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल फोन में एंटर दबाओ। लिखो, सॉरी एंटर क्या, लिखो नोकिया मोबाइल फोन, लिखो नोकिया स्पेस मोबाइल फोन, एंटर दबा के अंडर में आओ,
एंटर दबा के अंडर में आओ। मेरा बात ध्यान से सुनेगा बच्चा लोग, बच्चा लोग सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? यस सर। यस सर। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अंडर में नोकिया मोबाइल फोन किसके अंडर में आएगा? फोन मोबाइल फोन के अंडर में सर। मोबाइल फोन बना हुआ है कि नहीं बना है? नो सर, नहीं बना है। बनाएंगे तो क्या दबा के बनाएंगे? ऑल सी दबाओ। मतलब स्टॉक आइटम बनाते वक्त जब ग्रुप पूछेगा तो वहां पे ऑल सी दबा देंगे तो ग्रुप क्रिएशन में ले जाएगा। यहाँ लिखिए मोबाइल फोन, यहाँ पे लिखिए मोबाइल फोन, एंटर 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 सेव करिए, देखिए पेज के बाहर आ जाएंगे। एक्सेप्ट हो गया तो देखो मोबाइल फोन के, नोकिया मोबाइल फोन के अंडर आ गया मोबाइल फोन, समझ गया। ग्रुप पहले बनाए थे, अब आइटम बनाने के टाइम पे ऑल सी दबा के ग्रुप डिफाइन कर दिए। अच्छा, यूनिट बना हुआ है कि बनाना है? बनाना है, बनाना है। तो क्या दबाएंगे? ऑल सी, ऑल सी दबाओ, ऑल सी दबाओ। एंटर, एक्सेप्ट। शांति से सोचो, अरे वो दूसरा टेलीफोन नंबर का है वो। शांति से सोच लिया, नोकिया मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के अंडर में आएगा, होगा पीसेस। हाय ना? यस सर। यस सर। इज दैट फाइन? यस सर। इज दैट फाइन एवरीवन? यस सर। कंट्रोल दबा के सेव करिए। क्वांटिटी कितना पीस खरीदा है? बोलो, खत्म हो गया। 10 लिखो, एंटर दबाओ। भाई हम बोलने के बाद ना माइक ऑफ कर दिया करो यार, इतना काम कर दिया करो। आफ्टर यू स्पीक म्यूट योर माइक, अगेन इफ यू वांट टू स्पीक स्विच ऑन योर माइक, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ठीक है? आइए, 10 पीस लिखा, भाव क्या है? 15,000 लिखो, एंटर। क्या ये भाव पर पीस है? हाँ सर। यस सर। एंटर दबाओ, एंटर दबाओ। क्या टोटल अमाउंट 1.5 लाख है? क्या टैली ने गलत टोटल किया है कि सही किया है? सही किया सर, राइट है, राइट है। एंटर दबाओ, नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। अभी नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है सर? और कोई आइटम एंट्री होगा तो, और कोई आइटम होगा तो लिख लेंगे, ठीक है ना? और कोई आइटम होगा तो सर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? और कोई आइटम होगा तो सर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है? और कोई भी आइटम होगा तो हम लोग लिख लेंगे सर। हाँ बेटा बोल। सर मेरा नोकिया मोबाइल फोन के बाद डायरेक्ट अमाउंट में आ जा रहा है। हाँ, ये क्वांटिटी और रेट नहीं, यही चीज हमको देखना था। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला? अब बच्चा लोग देखना इसका गलती क्या हुआ है। इसका नोकिया मोबाइल फोन लिखने के बाद में अमाउंट आ जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाइएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एक बार सोचिएगा जरूर। भैया तुम पहले तो अपना माइक ऑफ कर दो, तुम वाला पहले माइक ऑफ करो। हाँ, तुम खाली सुनेगा। हाँ, अभी इसका गलती क्या हुआ ध्यान से देखो। इसने ना, मैं जब बोला आपको, मैंने आइटम का नाम डाला, फिर मैं अंडर में आया, वहां पे ऑल सी करके मोबाइल फोन बना के सेव किया, फिर मैं यूनिट में आया, वहां पे मैं ऑल सी दबा के यूनिट बनाया, बनाने के बाद मैं कंट्रोल दबा के सेव किया, जब मेरा रेट ऑफ ड्यूटी में आया तो फिर मैं 2 मिनट ठंडा सांस लिया, मैं चेक किया नोकिया मोबाइल फोन के अंडर में है और यूनिट में पीसेस आ गया। इसने वो चीज नहीं सर, मेरा एक प्रॉब्लम है। क्या सर? ये देखिए क्या है। अरे पहले एक एक का देख लें।
पहले तुम्हारा देखें कि पहले इसका जो दिखा रहा है उसका देखें? मेहुल, अरे भाई रुक ना, पहले इसका देख तो ले। ठीक है सर। हाँ तो तुम पहले बैकस्पेस बटन दबाएगा, बैकस्पेस बटन दबाओ। बैकस्पेस दबाने से क्या, विद इन द पेज अब ऊपर बढ़ेंगे। बैकस्पेस मालूम है ना? हाँ कहाँ है? अरे यार तुम एक बार बोले तो तुम पूरा दबाते गया, अभी तुम एंटर दबाएगा। हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार एंटर दबाओ। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, हाँ परचेज में एंटर। बस अभी रुक जाओ, अभी देखो इसको नोकिया मोबाइल फोन को एडिट करना है, तो जिसको भी एडिट करना है येलो पाथ को पहले वहां लेके आइए। अभी दो उपाय है मेरे पास, या तो हम पूरा इसको अनसेफ कर दें, फिर हम ऑल्टर मास्टर में जाएं, वहां पे जाके नोकिया मोबाइल फोन आइटम को ऑल्टर करें। बहुत लंबा प्रोसेस है, खाली अगर हमको एक आइटम को ऑल्टर करना है तो हम पहले येलो पाथ को उस पर लेके आएंगे और कंट्रोल एंटर एक साथ दबाएंगे इंस्टेंट एडिटिंग के लिए। कंट्रोल एंटर दबाओ। दबाया? आ जाओ देखो इसका, इसका स्क्रीन अच्छा से देखो बच्चा लोग। नोकिया मोबाइल फोन ठीक है, एंटर दबाओ। अंडर में आओ। हाँ मोबाइल फोन ठीक है, एंटर दबाओ। यहां पे देखो तुमने पीसेस बनाया है, अरे पीसेस बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ बनाया है। नीचे yes, sir, पीसेस को सेलेक्ट करो। हाँ ये क्या आ रहा है भैया? ऑल्टरनेट नॉट एप्लीकेबल, ऑल्टरनेट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब जो आ रहा है ये सब नो नो रहेगा, तुम सीधा कंट्रोल दबा दो। ये सब कैसे आ रहा है तुम्हारा भगवान मालिक। ठीक है अब देखो तुमको क्वांटिटी में ले आया? यस सर। हाँ ठीक है, अब तुम हटो, दूसरा किसी को आने दो। कौन है भैया मार्केट में अब? सर ये देखिए क्या हो रहा है। हाँ देख रहे बेटा, बीमारी तो हल करने आए हैं हम। बैकस्पेस दबाओ। तुम पहले ये बताओ तुम किसका कंप्यूटर यूज कर रहे? अपने फ्रेंड का? जिसका तुम कंप्यूटर यूज कर रहे क्या वो हम लोग के पास पहले पढ़ चुका है? हो ही नहीं सकता, 100% वो हम लोग से पढ़ा है। ठीक है एनीवेज मैं ऑफिस में हूँ सर, मतलब इस कंप्यूटर में मेरा कोई टैली क्लास कर चुका है। चलो ठीक है एनीवे। F12 दबाओ। हाँ सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट है ना, देखो सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन नो किया, उसको यस करो। कंट्रोल दबाओ। अब वापस से कर्सर को, कर्सर को माउस को लेके जाओ कैलकाटा मोबाइल स्टोर में। माउस को लेके जाओ कैलकाटा मोबाइल स्टोर में, लेके गया, एंटर दबाओ। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, हाँ परचेज लेजर सेलेक्ट करो। परचेज कहाँ चला गया भाई? ठीक से दिखाना, दीवाल दिखाई दे रहा है, दीवाल से क्या बात करेंगे। परचेज अकाउंट बनाओ। परचेज ग्रुप में डालो उसको। डाला? हाँ सर। भाई तेरा स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, तुम छोड़ दे या तो। हाँ नोकिया मोबाइल फोन में एंटर दबाओ। ये सब तुम्हारा बहुत सारा फीचर ऑन किया हुआ, एंटर दबा के आगे बढ़ो। हाँ डिस्क्रिप्शन क्या किया? एंटर दबाया सर। हाँ ठीक है हो गया, चल कंट्रोल दबा दे। हाँ ठीक है, और कोई है? हाँ बोलो आदित्य मोहंती, क्या बात है? सर मेरा डेट में इशू आ रहा है। क्या सर? डेट में इशू आ रहा है। क्या डेट में क्या इशू आ रहा है?
सर मैं कुछ भी अगर सेव करता हूँ तो बोल रहा है दिस एंट्री कैन्ट बी डन बिकॉज 31st ब्रो ब्रो लिसन ब्रो लिसन आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स नॉट वन और टू टाइम्स जब जब आप लोग कंपनी बनाएंगे आपका करंट पीरियड को 22-23 करेंगे जी सर 22-23 ही है तो ठीक है तुम अपना स्क्रीन दिखाओ पहले करंट पीरियड 22-23 है ठीक है चलो करंट डेट तुम्हारा F2 दबाओ इसको 1 अप्रैल करो पहले तो 1-4 एंटर दबाओ क्या बोल रहा है एक बार डेबुक में आओ तुमने कैपिटल का एंट्री रिकॉर्ड किया है ना जी सर क्यों हाँ तो इसमें इनवॉइस नंबर डालो पहले क्या कर रहा है भाई बैकस्पेस दबाओ देखो तुम खुद देखो स्क्रीन तुम क्या दिखा रहा है तुम्हारा फोन में तुम देखो हमको दिख रहा है स्क्रीन और ऊपर जाओ बैकस्पेस दबाओ लेफ्ट हैंड से फोन पकड़ो राइट हैंड से काम करो हाँ लिखो CMS /0014/22-23 एंटर करो एंटर कंट्रोल ए दो बार भाई तुम क्या बनाया नहीं है क्या हाँ नोकिया मोबाइल फोन सेलेक्ट करो 10 पीस 15,000 एंटर नेक्स्ट लाइन में आओ भाई कहाँ चला गया हाँ बस यहीं रहो अब देखो मेरा हम भी नेक्स्ट लाइन में हैं इसका मतलब क्या अगर कोई आइटम वगैरह है तो ऐड कर सकते हैं ठीक है इफ देयर इज एनी आइटम एंड ऑल वी कैन ऐड राइट नाउ बट हमको ऐड नहीं करना हमको कोई भी आइटम ऐड नहीं करना एंटर दबाओ अब एक लाइन के नीचे आ गई इसका क्या मतलब है कोई जीएसटी वगैरह एंड ऑफ लिस्ट हाँ एंटर दबाओ हाँ एंड ऑफ लिस्ट अच्छा सुनो कल हम लोग टोटल अमाउंट के बाद एंटर दबाया था तो कहाँ गया था बिल वाइज डिटेल में अभी मैंने परचेस किया कौन सा रेफरेंस यूज करूंगा न्यू रेफरेंस में एंटर दबाओ हाँ पूरा बिल का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा कि तीन बन रहा है एक इंस्टॉलमेंट कुछ यहाँ पे बोला नहीं है तो पूरा बिल का एक ही इंस्टॉलमेंट बन रहा है मतलब टोटल बिल का एक ही इंस्टॉलमेंट तो जो इनवॉइस नंबर है ऊपर में वही मेरा रेफरेंस नेम में आ गया जो इनवॉइस नंबर है वही मेरा रेफरेंस नेम में आ गया एंटर दबाओ इसी को यूज करेंगे हाँ ड्यू डेट और क्रेडिट डेट मालूम नहीं है कितना दिन का उधारी है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ एंटर दबाओ अमाउंट 1.5 लाख ही रहेगा एंटर दबाओ अभी क्रेडिट में आ गया बिल्स पेबल मतलब क्रेडिट होता है अभी एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे कि पेज के बाहर फिका जाएंगे पेज के बाहर सर क्योंकि ऊपर में लिखा है 1.5 लाख और नीचे 1.5 लाख का बिल्स पेबल बन चुका है ठीक है एंटर दबाओ बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट देख कोई पूछ रहा है कुछ एक्सेप्ट कर लो हाँ किसका क्या डाउट है बोलो सर मेरा वही सेम चीज दिखा रहा है हाँ तो ठीक है अब तुम्हारा हम प्रॉब्लम बताते हैं क्या हुआ है तुम एक बार एस्केप दबाओ ठीक है एक बार तुम दबाओ ऑल्ट के
ऑल्टर में आओ, ऑल्टर ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सर। हाँ तो ऑल्टर वो डिसेबल किया हुआ, ठीक है एस्केप दबाओ, पूरा एस्केप दबा के बाहर आ जाओ। नाउ दबाओ ऑल्ट के, दबाओ ऑल्ट के बोल रहा हूं मैं, ऑल्ट के, ऑल्टर नहीं। हाँ कंपनी को ऑल्टर करना है समझा, लेजर को ऑल्टर नहीं करना है। ऑल्टर में आओ, देखो ऑल्टर दिख रहा है नीचे, ऑल्टर में आओ। हाँ क्या दिया है तुम्हारा, देखो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, अच्छा मतलब तुमने कंपनी खोला है, तुम्हारा साल शुरू हो रहा है अप्रैल में और तुम बही खाता खोलोगे मार्च में, एक साल जब खत्म होने वाला रहेगा तब तुम बही खाता खोलोगे। हाँ बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आओ, कम टू बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मेक इट 1 अप्रैल 22। ये सब छेड़खानी क्यों किया, ये सब में तो कुछ जैसा था वैसा ही एक्सेप्ट करना था जबरदस्ती का? हाँ कंट्रोल दबाओ, नाउ कम टू डे बुक, डे बुक तुम्हारा वो वाला ट्रांजैक्शन भी उड़ गया है, दोनों कैपिटल और ये दोनों एंट्री करो बैठ के अपना, चलो हटो, अरे हटा। कितनी बार बोला है हम जैसे बोल रहे वैसे करो, सब अपना एक्स्ट्रा बुद्धि लगाता है। पॉइंट नंबर थ्री में ऑन 1 अप्रैल रिसीव 1 लाख फ्रॉम मिस्टर कृष्णा एज एडवांस, कौन सा वाउचर में जाएगा ये? सर रिसीव। हाँ F6 में जाओ, यहां ध्यान दे, यहां पे ध्यान दे, F6 में जा, कैश अकाउंट सेलेक्ट करो। हाँ किससे मिला है पैसा? कृष्णा से। तो कृष्णा बना हुआ है कि बनाना है? बनाना होगा। ऑल्ट सी दबाओ, कृष्णा बनाओ, एंटर। इट विल बी अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि आज एडवांस मिला कल माल बेचेंगे, सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करो। मेंटेन बैलेंसेस यस, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं होगा, चेक फॉर क्रेडिट डेज नो रहेगा। कंट्रोल दबा के सेव करो। कितना मिला है कृष्णा से? 1 लाख। एक लाख लिखो, 1 लाख लिख के एंटर दबाते ही बिल वाइज डिटेल में आ जाएगा, एंटर दबाओ। देखो अभी ये जो तुमको पैसा मिला है ये एडवांस मिला है ना? हाँ सर। यस सर। एडवांस में जाओ, रेफरेंस नेम में 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर में रिसीप्ट नंबर 2 है। रेफरेंस नेम में 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर में रिसीप्ट नंबर 2 है, तो इसका नाम हम लोग 2 नहीं रखेंगे, 2 रखने से समझ में नहीं आएगा, इसका नाम दो एडवांस 1, एडवांस 1। एंटर दबाओ, इसका कोई ड्यू डेट नहीं है। इसका कोई ड्यू डेट नहीं है? नहीं सर। एंटर दबाओ, 1 लाख, एंटर एंटर। और किसी से कुछ मिला है? और किसी से कुछ मिला है? एंटर दबाओ, नरेशन में लिखो,
being advance received from Krishnan. Being advance received from Krishna. सेव करो, हो गया। आप मेरा बात ध्यान से सुनो, एक बार बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल देख लेते हैं। तो बिल्स पेबल में एक तो वो आएगा, क्या नाम है, कैलकाटा मोबाइल स्टोर आएगा, हाँ या ना? बिल्स रिसीवेबल में कैलकाटा मोबाइल स्टोर आएगा, बिल्स पेबल में, सॉरी, हाँ। और बिल्स रिसीवेबल में क्या आएगा? अरे अभी डेटर से एडवांस मिला हुआ आएगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर कृष्णा। हाँ। ऑल जी टाइप करो, टाइप ऑल जी लिखा, ऑल जी में आने के बाद ऑल जी प्रेस करो, उसके बाद लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल लिखेगा। हाँ, बिल्स रिसीवेबल में जाओ। अरे बिल्स रिसीवेबल में कृष्णा नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल में कृष्णा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर अभी बिल का एंट्री नहीं हुआ, उसे तो बस एडवांस मिला। अरे बेटा सुनो, एडवांस मिला हो चाहे नया रेफरेंस हो, दो दो तरीके का धंधा होता है, पहले पैसा उसके बाद माल, या पहले माल उसके बाद पैसा। तो पहले माल, कल जो सीखा था वो क्या सीखा था? पहले माल का मतलब क्या हो गया? पहले न्यू रेफरेंस, उसके बाद जब पैसा मिलेगा तो अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, तो पहले क्या होगा? अगर पहले गुड्स बेचा, राइट, अगर पहले गुड्स हम बेचते हैं तो पहले नया रेफरेंस होगा, उसके बाद पेमेंट आएगा तो अगेंस्ट रेफरेंस। लेकिन यहां पे पहले एडवांस है, तो एडवांस में पहले एडवांस, उसके बाद जब माल बेचेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस। कोई आया है अभी, क्लास ज्वाइन किया है? ठीक है, तो ये बिल्स रिसीवेबल में क्यों नहीं दिख रहा है? कोई भी एडवांस हो दिखेगा तो सही, चाहे एडवांस हो चाहे नया रेफरेंस हो, दिखना तो चाहिए, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बोलिए जनता, बिल्स रिसीवेबल में कृष्णा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पता नहीं सर। ठीक है, एक बार बिल्स पेबल में जाओ, F5 दबाओ, बिल्स पेबल में जाओ। सर बिल्स पेबल में कृष्णा दिखाई दे रहा है, आप बताओ क्यों दिख रहा है बिल्स पेबल में कृष्णा? अगर आपको, तुमको कोई कस्टमर से एडवांस मिलता है तो ये तुम्हारे लिए एसेट हो गया कि लाइबिलिटी हो गया? सही, लाइबिलिटी हो गया सर, इसीलिए बिल्स पेबल में दिख रहा है। नॉर्मल क्रेडिटर तो बिल्स पेबल में दिख ही रहा है, हमने कोई ड्यू डेट डाला नहीं तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही देखो ड्यू डेट हो गया। कैलकाटा मोबाइल स्टोर का ड्यू डेट क्या है? 1 अप्रैल। कोई ड्यू डेट जब आप नहीं डालेंगे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऑटोमेटिकली ड्यू डेट बन जाता है। और कृष्णा भी बिल्स पेबल में दिखाई दे रहा है, क्यों? कृष्णा इज ऑल्सो कमिंग इन बिल्स पेबल, वाई? बिकॉज वो एडवांस लाइबिलिटी है। समझ गया? ठीक है, समझ गया? यस सर। यस सर। अभी एस्केप, अभी एस्केप, अभी, अच्छा अभी एस्केप दबाएंगे तो कहाँ आएंगे? वाउचर क्रिएशन में सर, वाउचर क्रिएशन, वाउचर क्रिएशन में एस्केप दबाऊं? हाँ, अभी नेक्स्ट वाउचर बोलता है सेल्स वाउचर, जाओ F8 में जाओ। हाँ, सेल्स वाउचर के लिए क्या बोला है? बहुत क्लियर है इंस्ट्रक्शन कि हमने 2 लाख का माल बेचा है, 2 लाख का माल बेचा है, ठीक है, 10 नोकिया मोबाइल बेच दिया पूरा का पूरा, 20,000 करके 2 लाख का। लेकिन दिस इज अगेंस्ट एडवांस। तो सर माल तो 2 लाख का बेचा लेकिन एडवांस तो 1 लाख का है, तो बाकी 1 लाख रिसीवेबल दिखाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। बाकी 1 लाख जो रिसीवेबल दिखाएंगे उसके लिए क्या बोल रहा है? उसको 2 इंस्टॉलमेंट में तोड़ना है। तो रिमेनिंग 1 लाख जो रिसीवेबल दिखाएंगे हम लोग, वो पैसा हम लोगों को कब मिलेगा?
सर उसको दो इंस्टॉलमेंट में तोड़ना है तो 50,000 मिलेगा कब? एक महीना बाद। एक महीना बाद मतलब फर्स्ट मई को, फर्स्ट मई। और दूसरा 50,000 कब मिलेगा? फर्स्ट जून, फर्स्ट जून को। समझ गया मेरा बात? हाँ है ना? हाँ सर। पहला 50,000 कब मिलेगा? फर्स्ट मई। और दूसरा? फर्स्ट जून, फर्स्ट जून। ठीक है ना? तो ये चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पार्टी नेम में कृष्णा तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, सेलेक्ट करो। हाँ, एंटर। डिस्पैच डिटेल है नहीं हमारे पास, हम खुद माथा में भर के, खुद माथा में ढो के लेके गए हैं। तो डिस्पैच डिटेल कंट्रोल है, पार्टी डिटेल्स भी कंट्रोल है। हाँ, सेल्स लेजर में सेल्स बनाया हुआ है कि बनाना है? बनाना है, बनाना है। ऑल सी करके बनाओ सेल्स अकाउंट, इट विल बी अंडर सेल्स ग्रुप। सेल्स अकाउंट विल बी अंडर सेल्स ग्रुप, आया ना? यस सर। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव करो। क्या बेचा है हम लोग? मोबाइल फोन, नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल सर। नोकिया सेलेक्ट करो। हाँ, कितना पीस बेचा है? दस पीस, दस पीस। कितना करके? 20,000। एंटर। पर पीस 2,00,000। एंटर। क्या और कोई आइटम है? नहीं सर। एंटर दबाओ। ना सर। कोई जीएसटी वगैरह? नहीं। एंटर दबाओ। टोटल अमाउंट में आ गया? अभी मेरा बात ध्यान से सुनो, टोटल अमाउंट के बाद में एंटर दबाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? दो लाख का बिल है, 2,00,000 का बिल का डिटेल बताओ। 1,00,000 एडवांस और 50,000 का दो इंस्टॉलमेंट। पहले तो 1,00,000 एडवांस सेट ऑफ होगा ना? एडवांस जब मिला तो वो एडवांस में गया, लेकिन अब जब सेट ऑफ होगा तो वो किस में जाएगा? अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगा। समझ गया? अगेंस्ट रेफरेंस। पहले जब एडवांस मिला था तो वो एडवांस में गया। एडवांस इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यू रेफरेंस। पहले पैसा तो एडवांस में जाएगा, पहले माल तो वो न्यू रेफरेंस में जाएगा। एडवांस और न्यू रेफरेंस एक ही चीज है, बट दोनों को अलग अलग दिखाया है। मतलब अगर कोई पूछेगा क्या एडवांस न्यू रेफरेंस है, बोला हाँ, उसको अलग से कैटेगराइज करके दिखाया गया है। राइट? तो 1,00,000 के लिए हम लोग यूज करेंगे एडवांस जो पहले मिला है, उसके लिए अगेंस्ट रेफरेंस यूज होगा। बाकी जो बचेगा 1,00,000, वो कब मिलेगा हमको? आज की फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर पैसा में, बाद में, जो पैसा बाद में मिलेगा उसमें कौन सा रेफरेंस लगाएंगे? न्यू रेफरेंस लगाएंगे। समझ गए? हाँ, तो एंटर दबाओ। हाँ, पहले सेलेक्ट करो अगेंस्ट रेफरेंस। हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते ही आपको देखो पूछ रहा है क्या आप एडवांस सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो एडवांस में येलो पाथ को लेके आओ। एंटर दबाओ। एडवांस में येलो पाथ को लाके एंटर दबाओ। अभी सुनो मेरा बात, अमाउंट 2,00,000 नहीं है, एडवांस 1,00,000 ही है। बच्चा लोग जोश जोश में 2,00,000 एंटर दबा देगा। एंटर दबाने में बहुत मजा आता है, लेकिन एंटर दबाने का ड्रॉबैक भी है। पहले इस 2,00,000 को 1,00,000 करो। एंटर दबाओ। अब ध्यान से सुनो, 2,00,000 का बिल एलोकेशन ऊपर में है, 1,00,000 का अगेंस्ट रेफरेंस में एडवांस सेट ऑफ कर दिया। पहले पैसा मिलेगा तो एडवांस, जब सेट ऑफ होगा सेल करके तो अगेंस्ट रेफरेंस, पहले माल बेचेंगे तो न्यू रेफरेंस, सेट ऑफ जब पैसा मिलेगा तो अगेंस्ट रेफरेंस। समझ गया? जी सर। पैसा माल, माल पैसा। अभी एंटर दबाएंगे तो कहाँ आएंगे? नेक्स्ट लाइन में सर। नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ऊपर में 2,00,000 है, नीचे 1,00,000 है। अभी नेक्स्ट लाइन में बनाएंगे न्यू रेफरेंस। एंटर। हाँ, देखो खाली वन नहीं, सीएमएस कहाँ? कृष्णा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सीएमएस तो सप्लायर का नाम है, अभी डेटर का इंस्टॉलमेंट बन रहा है, बिल्स रिसीवेबल बन रहा है, पेबल नहीं बन रहा। लिखो कृष्णा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कृष्णा
कृष्णा एंटर ड्यू डेट में लिखो 1-5 फर्स्ट मई को है ना, एक महीना बाद। हाँ आज से ठीक एक महीना बाद 1 लाख ड्यू नहीं होगा, इसको दो पार्ट में तोड़ना है आज से ठीक। क्या आ रहा है मेरा कुछ अलग स्क्रीन आ रहा है आपसे, दिखाओ एक बार क्या आ रहा है, देखें शेयर करो अभी आएगा कोई। हाँ वो रहा उधर अक्षरा सिंह, देखें बेटा अभी तो मैंने एक जन को बताया, बोलो ये चीज मैं कितनी जन को बताऊं, तुम लोग कहां पे ध्यान दे रहा है। F12 दबाओ जल्दी से, तुम्हारा क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ आइटम दिख रहा है ना। कई बार क्या होता है परचेस लेजर छुप जाता है, तो देखो यहां पे सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको यस करो। अगर किसी का परचेस लेजर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने अभी एक बच्चे को बताया, कंट्रोल ए करके सेव करो, एंटर दबाओ, कंट्रोल ए कंट्रोल ए, परचेस सेल्स लेजर बनाओ, ऑल्ट सी सेल्स लेजर बनाओ ऑल्ट सी करके, क्या हुआ बनाओ ना ऑल्ट सी का दबाओ तो। सर मैंने इसे बनाया था सेल्स लेजर, अब बनाया था तो मैं कहां खोजो, अभी बना लो ना। हाँ बनाओ, लिखो सेल्स अकाउंट, अब नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं। सेल्स में डालो, हाँ एंटर कंट्रोल ए करो। हाँ नोकिया मोबाइल फोन एंटर, 2 लाख में आओ एंटर, पहले अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करो एंटर, हाँ नीचे एडवांस वाला सेलेक्ट करो, नीचे आओ, हाँ उसको 1 लाख करो, 1 लाख करो एंटर, अब न्यू रेफरेंस, हाँ कृष्णा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखो, चलो आओ हम लोग का स्क्रीन में, हम लोग का स्क्रीन में आओ, कृष्णा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट में डालेंगे 1-5, अमाउंट 1 लाख नहीं है, 50,000 डी होगा, 50,000 करो, अब वापस से न्यू रेफरेंस, कृष्णा सेकंड इंस्टॉलमेंट, एंटर 1-6, पहला में 50 तो दूसरा में 50 ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि रिमेनिंग ही उतना था, एंटर दबाओ पेज के बाहर आ जाएगा। बीइंग गुड सोल्ड एडवांस सेट ऑफ, बीइंग गुड सोल्ड एडवांस सेट ऑफ एंटर, हो गया। अच्छा अभी आप लोग मेरे को बताइए बीआरबीपी में क्या चेंज आया होगा, बीआरबीपी में क्या कम हो गया होगा, बीपी में एडवांस कम हो गया होगा और बिल्स रिसीवेबल में क्या हुआ होगा, 1 लाख आ गया होगा सर, 1 लाख मतलब कृष्णा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया होगा, ऑल्ट जी दबाओ, बिल्स रिसीवेबल टाइप करो, एंटर दबाओ, बिल्स रिसीवेबल में एंटर दबाओ, हाँ देखो कृष्णा फर्स्ट और सेकंड आ गया, अभी बिल्स पेबल में F5 दबाओ, F5, हाँ देखो एडवांस उड़ गया, समझ गया ना, अगेंस्ट रेफरेंस होते ही किसी भी रेफरेंस का अगेंस्ट रेफरेंस करते ही वो उड़ जाएगा, तो इस ट्रांजैक्शन के पहले एडवांस 1 लाख खड़ा था, जैसे माल बेच दिया एडवांस सेटअप हो गया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो खड़ा हो गया, तो वापस F5 दबाओ, बिल्स रिसीवेबल में 2 आ गया, वापस F5 दबाओ, एडवांस उड़ गया, इज दैट फाइन, अभी एस्केप दबा के वापस से वाउचर में आ जाओ, सबको आ गया, हाँ सर
हाँ सर यस सर ठीक है। अभी बोला है दोनों इंस्टॉलमेंट मिल गया प्लस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया और मिला एडवांस का। दोनों इंस्टॉलमेंट मिल गया प्लस एक्स्ट्रा 1 लाख और मिला है, समझ गया? दोनों मिल गया प्लस एक्स्ट्रा, तो वापस से F6 में जाओ, कैश सेलेक्ट करो, तो कृष्णा सेलेक्ट करो। कृष्णा का देखो 1 लाख डेबिट दिखा रहा है, तो दोनों इंस्टॉलमेंट का 1 लाख तो मिला ही है, और क्या मिला है? 1 लाख एडवांस। 1 लाख एडवांस मिला, तो टोटल में कितना मिला कृष्णा से? 2 लाख। 2 लाख से 2 लाख लिखो, एंटर दबाओ। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, पुराना 1 लाख जो मिला उसमें कौन सा रेफरेंस यूज होगा? अगेंस्ट रेफरेंस। इंस्टॉलमेंट जब क्रिएट किया था तो उस समय नया रेफरेंस, अभी पेमेंट मिल रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर दबाओ जी सर। पहला वाला इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करो, अमाउंट 50,000, ठीक है, एंटर। वापस से अगेंस्ट रेफरेंस, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करो, अमाउंट 50,000, एंटर। अब तो एक्स्ट्रा 1 लाख मिल रहा है, उसमें कौन सा रेफरेंस यूज होगा? न्यू रेफरेंस। एडवांस, एडवांस या नया रेफरेंस, बट हम लोग एडवांस यूज करेंगे क्योंकि न्यू रेफरेंस का अलग से एक कैटेगरी बना दिया है एडवांस, तो हम लोग एडवांस यूज करेंगे। जाओ एडवांस में जाओ, हाँ लिखो एडवांस टू, एंटर। ड्यू डेट में कुछ नहीं आएगा, एंटर। 1 लाख, 1 लाख ही था, हाँ एंटर। वेट करो, बनाने दो बच्चा लोग को। माइक ऑफ करने हुआ
इज दैट फाइन एवरीवन? बन गया आप लोगों का? एंटर दबाओ. और कोई पर्टिकुलर है क्या? क्या और किसी से कोई? हाँ, एंटर दबाओ. लिखो बीइंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विथ एक्स्ट्रा 1 लाख एडवांस. बीइंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विथ एक्स्ट्रा 1 लाख एडवांस. बीइंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विथ एक्स्ट्रा 1 लाख एडवांस. एंटर सेफ. अभी बताओ बिल्स रिसीवेबल पेबल में क्या क्या चेंज आया होगा? बिल्स रिसीवेबल ऑन पेबल में क्या से दोनों हट गया होगा, बिल्स पेबल में ऐड हो गया होगा. वेरी गुड. बिल्स पेबल में क्या ऐड हो गया होगा? एडवांस 1 लाख. एडवांस 1 लाख. एडवांस. चलो ऑल जी दबाओ. बच्चा लो बहुत स्मार्ट हो गया. ऑल जी दबाओ. ऑल जी दबाओ. बिल्स रिसीवेबल में जाओ. हट गया, दोनों इंस्टॉलमेंट हट गया. वेरी गुड. अब F5 दबाओ. एडवांस 2 आ गया. बहुत तरक्की करेगा जो ये जवाब दिया है ना, वो इतना तरक्की करेगा वो उसको खुद को नहीं मालूम कि वो इतना तरक्की कर सकता है. उसको शक होगा एक टाइम पे कि हम इतना तरक्की कैसे कर लिया. इज दैट फाइन एवरीवन? यस सर. चल एस्केप दबा के गेटवे में आ जा. आ गया. अभी हम लोग असाइनमेंट 3 करेगा. मेरा बात सुनो. असाइनमेंट 3 का आप लोगों को क्या क्या करना है सुन लो. पहला बात तो नाम दे दो. असाइनमेंट 3 का कंपनी नेम इज ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड. असाइनमेंट 3 का कंपनी नेम इज ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड. एंटर दबाओ. वहां पे क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ है. एक्स वाई जेड क्रेडिटर नेम एक्स वाई जेड. एंटर. हमको आप पहले, हम लोग गेटवे में आ गया, F3 में जाके क्रिएट कंपनी में जाके ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट करेंगे. स्टेट पिन कोड डाल के कंट्रोल ले करेंगे. 4 फीचर यस रहेगा, GST नो रहेगा. सेव करके गेटवे में आ जाएंगे वापस से. फिर जो कंपनी नहीं चाहिए उसको शट कर देंगे. जैसे अभी तुम्हारा एडवांस प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए, उसको शट कर देंगे. फिर हम लोग करेंट पीरियड में जाके उसको 22-23 करेंगे. अगर हुआ हुआ है तो छोड़ देना. हो गया. फिर हम लोग सीधा वाउचर में जाके कैपिटल का एंट्री करेंगे और फिर परचेस का एंट्री करेंगे. ये दो चीज तुम लोग करो. मैं तुम लोग को 7 से 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं. नो मोर डिस्कशन. सर ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया, उसके बाद क्या करना है?
हो गया सर। Okay, now we will create the company. F3, go to create company. Name is Tracking Private Limited. State West Bengal. Control A. Four features will be yes, set GST to no. Control A. Now again go to F3, shut company, Advanced Private Limited, enter. Press enter. Check current period 20 to 23. Now straight go to vouchers. Go to F6. Cash. We will get cash to capital account. Here cash. Now we will create capital account. Alt C. Capital account. It will go under capital. Control A. I have one question. Yes. Yeah, the question. When I come to this part, vouchers, the first thing which appears on my screen is receipts only, no? No, the first thing which appears is payment. Okay. Sir, how do I get back and change it to receipts? Ek baar dikhao to kaun bol rahe? Who are you? Sir, Raju Vittal. Are you doing class for the very first time? No, sir. Then you don't know how to change vouchers? No, sir. Actually, I'll tell you, sir. Look, I have done the whole part. Usko bada karo screen ko, Raju Vittal ko. Dikhao kya kiya tum. Sir, main idhar tak aa gaya hu. मैं पूरा चीज कर लिया हूँ बट द थिंग इज मैं शायद जब मैं घुसा था तब मैं F6 नहीं दबा के कैश अकाउंट लिखकर शुरू कर दिया था। हाँ तो तुम पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल को, इसका मतलब? यस सर। तो पहले इसको सेव करो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। कैसे सेव करें सर इसको? कंट्रोल ए। भाई इसको तो सेव तुमको आता ही होगा, एंटर एंटर दबा के लास्ट में एक्सेप्ट नहीं आता है? कंट्रोल ए कर दिया सर मैंने। What about reference and all? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैक आ जाओ। Come to day book. देखो, receipt ही तो है। हाँ, receipt में ही है। ठीक है सर, मेरे को लगा वो payment में ही है। उतना लगाया मत करो। Thank you. अब वापस परचेस वाउचर में कैसे जाएं सर? F9 टिप के। थैंक यू। रिसीप्ट 1 लाख। एंटर।
पिंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एंटर एक्सेप्ट नाउ वी विल गो टू F9 परचेज नो नीड टू गिव इनवॉइस नंबर डेट नो नीड पार्टी कैश सॉरी Now we will create party. Control C, Alt C. XYZ. Private Limited. Press Enter. It will come under. Sundry Creditors, sir. Yeah, Sundry Creditors. Maintain bill. Yes. Credit period. No needed. Check for credit days. No. Press and control A. Receipt details. Control A. Party details. Control A. Now we will create purchase ledger. Purchase account. Alt C. Purchase account. It will come under purchases. Type of ledger not applicable. Control A. Now we will create Dell computers. Alt C. Name is Dell computers. It will be under Computers. So we will create it. Alt C. Computers. Under primary. Accept. Units we will create. Pieces, sir. We will create it. Control A. Rate of duty. Enter, accept. Quantity 10. Rate per piece 20,000. Amount 2 lakh. Not any other item. Any other expense? No. Now we will go to reference page. New reference. Name one. Amount 2 lakh. Being goods purchased on credit. Accept. Thank you.
अटेंडेंस लेना ना. Is that fine, everyone? Is it done? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग सेल वाला करेंगे. यहां तक सबका हो गया? हो गया. हाँ सर. सबका मतलब सबका. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सुन. तो अभी देखिए आप लोग एस्केप क्विट करके बाहर आओ. कम टू पीएल ऑल्ट F1. कम टू पीएल ऑल्ट F1. सबका ऐसा दिखाई दे रहा है पीएल? यस सर. नहीं सर, मेरा ऑल्ट F1 आते हुए नहीं आया. वो क्या नहीं आया? Yes, sir. Alt F1 दबाया नहीं आया सर. क्या नहीं आया? You can now shut the company by control F3. Do you want to shut? मेरा बात सुनो, ध्यान से सुनो. लैपटॉप है ना? हाँ सर. तुमको मालूम नहीं है फंक्शन की कैसे यूज करते हैं लैपटॉप में? फंक्शन F1 दबाना. फंक्शन F1 नहीं दबाना है, फंक्शन Alt F1 दबाना है. फिर भी वही आ रहा है सर. नहीं आएगा तब तुम्हारा फंक्शन की काम नहीं कर रहा है. एस्केप दबा दो. दिखाओ अपना स्क्रीन, दिखाओ. कम टू डे बुक, पीएल में आओ. पीएल में आने में कितना टाइम लगता है? पीएल में आओ. पीएल. हाँ, एंटर. यहां पे F12 दिख रहा है नीचे में? हाँ सर. हाँ, इसको प्रेस करो. देखो नीचे आओ, एंटर दबाओ. कंडेंस को डिटेल करो. एंटर, कंट्रोल ए. और देयर इज नो अदर वे. जब तुम्हारा फंक्शन की काम नहीं कर रहा है तो दिस इज द ओनली वे टू गेट डिटेल्ड. कोई भी रिपोर्ट अगर किसी को डिटेलिंग में चाहिए, उस रिपोर्ट में आएगा, वो कॉन्फिगर में जाएगा और कंडेंस को डिटेल्ड कर देगा. समझ गया मेरा बात? ओके. हो गया ना? एस्केप दबा के वापस से गेटवे में आ जाओ. कम टू डे बुक और देखो ये दो ट्रांजैक्शन ऐसे दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. यस सर, दिख रहा है. यस सर. तो अभी हमारा बचा क्या? खाली सेल वाला चीज. यस सर. ठीक है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. Yes, sir. अच्छा, listen to me very carefully. अभी एक दो दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है because my uncle is not well. He had a massive heart attack yesterday. So classes थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या तो एक घंटा डिले या एक दो घंटा आगे पीछे. तो प्लीज मैनेज फॉर सम डेज एंड होप यू विल बी एबल टू नॉर्मलाइज थिंग्स, राइट? तो इसीलिए कल भी हो सकता है 3 बजे हो क्लास, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया. ओके, सो नाउ वी विल टेक अटेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड मैं जो आपको क्लास में करा रहा हूं, आप लोग इमीडिएटली घर में कर रहे हैं ना उसको? हाँ सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. आपका ना इसमें एक बैंक का फॉर्म आएगा, ठीक है? अभी वो बैंक का फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है सर? और सर, ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में आएगा, आज या कल में आएगा. उसमें आपका पासबुक का फोटो या चेकबुक का फोटो मांगेगा, ठीक है? बढ़िया से खींच के डाल दीजिएगा. PDF बना के भी डाल सकते हैं, नॉर्मल इमेज फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं. ठीक है सर.
टुडे इज आवर फोर्थ क्लास राइट चिराग अग्रवाल प्रेजेंट सर वेदांत जायसवाल यस सर प्रेजेंट सर सुपर्णा अयंतिका शाह प्रेजेंट सर जयफा प्रेजेंट सर मौसम अग्रवाल प्रेजेंट सर अमिनी शर्मा प्रेजेंट सर विजल पात्रा प्रेजेंट सर सैयद आर्सियन टॉमी सरकार मेहुल बुका प्रेजेंट सर शीतल पात्रा ऐ सेजल पात्रा तुम्हारी बहन है क्या जी सर ओके गौरव कुमार सिंह यस सर लास्ट दो क्लास क्यों नहीं आए तुम लास्ट क्लास में थे तुम लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में थे सर कल नहीं आए थे नेटवर्क इशू हो गया था स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे सर ठीक है पर उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाए थे श्रेया सुल्तानिया प्रेजेंट सर अक्षरा सिंह अक्षरा सिंह ऋषि कुमार गुप्ता प्रेजेंट सर सिद्धि जाजो ऋषद राय प्रेजेंट सर संस्कृति प्रेजेंट सर कवि जायसवाल प्रेजेंट सर हर्षवर्धन अग्रवाल हर्षवर्धन अग्रवाल सुहानी अग्रवाल प्रेजेंट सर निहल जैन प्रेजेंट सर प्रियांती सेन गुप्ता प्रेजेंट सर अभिषेक कुमार प्रेजेंट सर ऋषि अग्रवाल प्रेजेंट सर शुभम पाल शुभम पटेल प्रेजेंट सर रोहित टोडी प्रेजेंट सर अक्षरा जायसवाल प्रेजेंट सर विट्ठल राजू प्रेजेंट सर रोहित अग्रवाल साकेत सुमन महक गिलानी प्रेजेंट सर स्वप्निल घोष प्रेजेंट सर वैभव गुटगुटिया चिराग तिब्रेवाल चिराग तिब्रेवाल यश भगवानी यस सर प्रीत जायसवाल कौशल डागा अरियंत प्रेजेंट सर शशांक यस सर देवास्मित साहू यस सर आदित्य मोहंती यस सर सागर कुमार यस सर संदीप गुप्ता प्रेजेंट सर श्रुति विश्वास प्रेजेंट सर ओके यू कैन लीव